हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग तो बोल। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, तुमने नहीं बोला पूरा नहा के फ्रेश होके सामने आज जल्दी नहा लिए। गाली खाते रोज चिल्लाती हूँ मैं, आज जल्दी ना आ रही है। नहीं, सुबह ही गाली खाते। जैसा उसका पापा मेरा ऊपर बम फेंकता है रोज, मैं सोची इन लोग का ऊपर बम फेंकते ऐसा। आज अभी तक हम लोग का नाश्ता पानी नहीं हुआ, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। अभी नाश्ता पानी लेके बैठी हूँ, तो चलिए नाश्ता पानी कर लूँ। और क्या नाश्ता पानी है आप लोग को देखा रहे, चलिए देखते रहिए। देखिए मैं आज बनाई ब्लैक टी, दूध गर्म की। ये लड़का का पाव है, लड़का नहीं खाएगा, अपना पेट में जाएगा। मैं और लड़की आधा आधा खा लेंगे। ये सब यही है आज का नाश्ता। देख लिया आप लोग मेरा नाश्ता, पाव से पाव खा लेंगे और दूध है, ब्लैक टी है, उससे हो जाएगा नाश्ता। फिर खाना बनाने का, और आज खाने में क्या बनेगा जब बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे। एकदम सादा सिंपल खाना, बहुत टेस्टी खाना, देखते रहने का आप लोग। वो बनाएंगे, खाना बनाएंगे, टाइम है, पहले नाश्ता पानी कर लो फिर बनाने तैयारी करो। तो चलिए। और आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब कोई अच्छी हो। और हस्बैंड गया काम पे, हस्बैंड के साथ कल से मेरा थोड़ा झगड़ा चालू है, तो काम पे चला गया, बात नहीं कर रही कल से मैं उनसे। लड़का स्कूल गया, लड़का हम लोग जब नमाज पढ़ रहे थे ना, सुबह का नमाज, तो नमाज पढ़ रहे थे तभी लड़का कब चला गया हम लोग को पता भी नहीं चला। जब हम लोग नमाज उमाज पढ़ के आए, मैंने बोली चलो देखो उसको छोड़ने का है, आके देख लूँ तो नहीं है गायब। फिर उधर देखी मेरा मोबाइल भी नहीं है, बाद में देखी उधर है मोबाइल। फिर दरवाज़ा खुला, बाहर की लाइट चालू, तब समझ में आया वो चला गया, नहीं है मतलब क्या। तो लड़की बोल रहा था कि चला गया चला गया, मैंने बोली हाँ तो बताया भी नहीं, बिन बोले चला गया। तो हस्बैंड बोलता है नहीं मेरे को बताया, बता के गया। तो बता के गया तो उठ के दरवाजा तो बंद करना चाहिए ना, नहीं किया। और ऐसे भी हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, कुछ बात लेके झगड़ा हो गया था। वो कुछ बात बोल रहा था, मैंने बोली ऐसा मत करो क्योंकि बाद में मेरे को बहुत बात सुनना पड़ता है, तुम ये चीज़ मत करो। बस वो 100 रुपया के, हाँ उसका मोबाइल रिचार्ज कराने का बात था, मोबाइल रिचार्ज कराने का था, 100 रुपये का बात था। तो 100 रुपया लेके झगड़ा गया हम लोग के बीच में, तो तब से मैं बात नहीं कर रही उससे। तो उसका मैं वो जो भी पूछ रहा है मैं देख रही भी नहीं, जवाब भी नहीं दे। अभी देखेंगे कब तक चलता है, तो चलिए देखते रहिए, साथ रहिए पूरा दिन, क्या कर रहे क्या नहीं आप लोग को देखा रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, अच्छा लगे इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना फ्री है। तो चलिए फिर मिल रहे आप लोग। पूरा मैट वीविंग का जितना है ये आधा कर लिया। एक्चुअली ये वाली कैसे से कर रहा हूँ ना, तो इधर हाथ में ना मेरी बैंड बच चुकी है, यहाँ पर मेरी लग लग के ही हो रहा है। और यहाँ पे ये आंटी ने गलती से गम दे दिया यार, गम नहीं लगता है। एक्चुअली ये बनाना है मैट, ये सब हो चुका उसका। अश्विनी जी बाजू जी इंटी नहीं, पर उनकी बेटी का भाई बेचारी कितनी बोली बच्ची। अरे क्या किया पता है, क्या है क्या जी, क्या है ये? एक्चुअली ना इधर कुछ और ही चिपका दिया उसने, हाँ इधर कप, इधर कलर पेपर चिपका दिया गलती से मैडम ने। क्यों पता है? क्योंकि ये निकल नहीं रहा है, यहाँ पर वाइट है, जबकि पूरा वाइट में आता है। हाँ तो इधर ही खटम खट खे, देखो देखो ये देखो निकलना वो फट जाएगा। और यहाँ पर अपनी अम्मी जान को भी दे, आज मेरी पूरी बैंड बजे नहीं मम्मा, ये सब को अलग कर दिया है, अभी ये कर दूँ फिर ले थोड़ी जूम कर लो। हाँ हो रहा है,
उल्टा कट रही, उल्टा 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 पलच क्यों घुमा ले अब हम इसे ऐसा पकड़ो। छोटा वाला कैंची से काट सब। इसे जल्दी जल्दी लूड़ संभाल के काटना पड़ेगा। बस इसको काट के फिर वो पिलाक वाला है ना वो देखिए मैं काट के दी सिंगल सिंगल पीस में उसको घुसाने का इसका अंदर। ब्लॉक ब्लॉक को एक 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 करके इसमें घुसाना पड़ेगा। गाना था बस हो गया फट जाएगा। फालतू मजाक मत कर। चल अभी चिपका उसे। जब बन गया ना ये देख। ये देख ये जास ये देख। अरे ये तो पहले से फट गया। हाँ इसके लिए बोली। चल अभी चिपका। अब हम इसे ऐसा करो। पहले तो भाई कैसी भाई तुम इधर आ जाओ। अब हम इसे ऐसा करो ऐसा मतलब सबको पहले अलग अलग कर ठीक है अलग अलग करके। हाँ तू चल। अब ये है एक मुझे पता है ऐसा करो फिर जो एंडिंग पॉइंट है ना उधर देखेगा जब पूरा हो जाएगा ना तो इसका जो बाहर का तब देखा तब ये पूरा हाथ में उठा कर ले इतना आसान चीज़ भी नहीं आती संभाल के नहीं तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देख लिए पोजेट है वो बच्चे का पोजेट है थोड़ा थोड़ा करना है उसका पर कुछ रख दे कैंची को रख दे तो ये हो जाएगा। रख दे हाँ ऐसा होएगा पक्का। हाँ फिर इसको अलग से लाना था नहीं जैसा होता है ना ऊपर से ब्लैक फिर नीचे वाइट तो चले पूरा होने दीजिए। दूधी डाल के दाल बनेगा बैगन फ्राई होएगा भोपला करेला फ्राई होएगा और सब फ्राई फ्राई बटेटे का चोखा होएगा भरता और बनेगा क्या बनेगा हाँ सुबह का बटाटा फ्राई है हो जाएगा पापड़ फ्राई बस आज एकदम जम जाएगा लंच मेनू सब सिंपल। तो चलिए फटाफट फटाफट करो और मेरी लड़की की हालत आप लोग को देखा रहा क्या हो गया मैडम सही बात ओ देखिए सब काट के दिए दो दो गाम उम लेके रात उम्र में इतना खाई लग गया मुझे तेरे ये दो आंटी दो मेरे बोला इतने क्या सुबह से दिया नहीं है मैं क्या बोला मैं बोला नहीं सुबह तो यार नहीं इधर कर तो यार नहीं इधर कर तो मैं सी गई भाई काल भी अगर बोलते तो एक क्या आधा घंटा बाकी तो उसके पहले काल भी अगर बोलता था ना तो आज कल रात को ही हम लोग करके रख देते थे सूख भी जाते थे इतना घाई नहीं लगता। आप खोलने जाएंगे फाट देख खोलने जाएंगे फाड़ के लेके आएंगे क्योंकि गम कच्चा था गम सुखाने यार हम लोग ये कर दिया बुक में चिपका कर बैग में घुसा दे रहे हैं देख क्या था। तो चले मिल लो यहाँ पे बैगन और दूधी काट के हो गया है बैगन फ्राई होएगा जिसमें हल्दी नमक डाल के रखेंगे ना और ये दूधी है जिसको बॉईल करना डाल देता है ना और इधर ये मिर्ची डाल देने का दाल में और यहाँ पे करेला मिर्ची और ये क्या है भोपला करेला भोपला फ्राई और बैगन फ्राई बच्चे के साथ क्या करें ए अरे बाबरे बढ़िया क्या इतनी मस्ती देखो ए
हल्के में पकड़ते हैं। मायंक को उसकी मम्मी बुला रहा है, मायंक जाने का पड़ता है, क्या कर रहा है, छोड़ देना मच्छी को, नहीं ए रो इधर रो इधर रोएगा ए अच्छा नहीं अरे कुछ नहीं नहीं रो रहा है नहीं है कल से क्या हुआ छोड़ो गाइस ये देखे ये पॉपकॉर्न था घर पे ये पॉपकॉर्न मेरा लड़का ने इसको फ्राई किया तो मैं इसको चाट बना दी जिसमें इसमें डाली कोतम्बीर कांदा टमाटर चाट मसाला थोड़ा सी नमक इसमें आप लोग हरा मिर्ची भी डाल सकते हो सिंगदाना भी भूंज के डाल सकते हो आप लोग हम लोग का घर में सिंगदाना है लेकिन इन लोग नहीं खाएंगे सिंगदाना इसके लिए नहीं डाली खाली मैं ऐसे ही बाकी काकड़ी रहेगा तो काकड़ी उकड़ी डाल के मस्त लगता है ये खाने में लेकिन मैं ऐसे ही बना रही चलिए गैस इधर मस्त एकदम बना ली चटपटा चाट और मेरा लड़की का और दो लड़का का मेरी बेटी मेरे को उठाने वाली है ये सुकड़ी बॉम्बी है हाथी को हाथी को इन लोग दोनों जन मेरा ही पीछे क्यों पड़ा रहता है मेरे को समझ में नहीं आता उसका पापा का पीछे पड़ता नहीं कुर्सी टूट जाएगा उसका पापा का पीछे मातरे उसका पापा का पीछे पड़ना चाहिए ना नहीं 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 देखे तीनों दोनों उसका पापा से तो झाड़ा सी बनता नहीं इन लोग को ना बात करेंगे ना कुछ मेरे को छोड़ गए क्योंकि हमारे पापा मैं बहुत गुस्से वाले और बात करेंगे तो टेढ़ी मुंह बात करते हैं इसके बाद मैं करता हूं बात दिमाग में ऑलरेडी टेंशन है पर तो इतना टेंशन है उसके बीच में भी ऐसा वैसा कोई बात नहीं करता इसके लिए छोड़ दिया मैंने जाओ जब आओगे चलिए खाना बनाने का खाना बना ही नहीं आज अब 2 बज गया अब लेट बना लूं मैं और खाएंगे आप भी बना रहे जा रहे बना खा के सो जाओ क्योंकि यो जो खाना मैं बना रही हूँ ना वो गरम गरम चाहिए ठंडा हो जाएगा तो कुछ मजा नहीं फटाक से बन जाएगा अब भी चले देगा नाच 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 मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा नाच तू फाड़ रहा है के मारेंगे ये बहुत भी देखे नाच रही है आज एक जन बसंत हो बसंता होगा बसंती इनको तो कैसे मत नाचे आज अब्दुल से की धुलाई होएंगे अच्छे से दो दिन क्योंकि माम तू क्यों जाएगी अरे फिर चिल्लाएगा जाने दे ना आ जाएगा कल सीट दुख रहा था ठीक है मान सकते दुख रहा होम वर्क नहीं किया कुछ नहीं अभी करेंगे जल्दी जल्दी टीचर
इसने बोला होमवर्क हो गया, अगर आप वीडियो देखते हो ना तो इसका होमवर्क चेक करने का। ये बोल रहा है मेरा होमवर्क हो गया, देखा ठीक है मत देखा, टीचर देखेंगे, मैं फोन करके बोल देंगे। ठीक है चल, तेरी कुटाई होएंगे, खलबत्ता में डाल के टीचर कुटेंगे आज ही, मैं बोल देंगे खलबत्ता में डाल के कूटने का इसको। चलिए बैगन में हल्दी नमक लगा के रखी तो ये नरम हो गया, करेला बटाटा धो के रखी, दाल बॉयल हो गया, कांदा उंदा काट के हो गया। चलिए फटाफट बनाओ। चलिए गैस मेरा तेल गर्म हो गया, पहले मैं दाल फुन्नी लगाएंगे, उसके लिए 2 सूखा लाल मिर्ची और 5 फुन्नी ली। ये दाल को ना 5 फुन्नी डाल के फुन्नी लगाएंगे ना तो इसकी टेस्ट दुगना हो जाता है। चलिए हमारा 5 फुन्नी हो गया और मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, दूध ही डाल के पहले ना, ज़्यादा मसाला वसला आज कुछ भी नहीं। डाल थोड़ा गिर गया, दूधी था ना, दूधी गिरा तो डाल गिर गया, जान दीजिए पोछ लेंगे मैं। तो चले गए मेरा डाल हो के आया, डाल में दे देंगे थोड़ा सी कोतुम्बी, और वो दूधी था ना गाइस, इसके लिए ना डाल थोड़ा गिर गया था, मैंने पोछ ली, दूधी फाट करके गिरा था, डाल भी थोड़ा फैल गया और कुछ नहीं। चलिए तो हो गया, ये अच्छा से बॉयल हो, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, नहीं तो दूधी हमारा टूट टूट के अलग हो जाएगा। तो चलिए इसको होने दीजिए। तो चले गए सीधा बन रहा है, पापड़ फ्राई हो रहा है, ले जात पापड़ फ्राई। यही तेल में बैगन फ्राई करेंगे, फिर इसमें भाजी बना लेंगे। चले गए मेरा पापड़ हो गया फ्राई, बैगन फ्राई करने का। बटाटा ले बैठा दे। पापड़ फ्राई हो गया, देखे। चले गए मेरा बैगन फ्राई भी हो गया, उठा लूँ मैं कम तेल में बैगन फ्राई की, क्योंकि फिर यही तेल में ना मेरे को ये बनाने का कड़े। चलिए तेल गर्म हो गया, अभी इसमें डाल देंगे सूखा लाल मिर्ची। हम लोग हर भाजी में सूखा लाल मिर्ची ऐसा फोड़ के भी और ये करके भी डालती हूँ, इसके लिए जाते इसका थोड़ा तीखापन और लाल मिर्ची का टेस्ट भी आए। थोड़ा सी कालिंजी और डाल देंगे करेला बटाटा, एक करेला और ढोकला। आज मेरा लंच मेनू यही है, इसमें जाएगा कांदा, एक बड़ा साइज का कांदा। आज पूरा खाना बंगाली स्टाइल में। मैंने बोली आज जितना भाजी है सब भाजी थोड़ा थोड़ा सी था, मैंने बोली उसको ख़त्म करेंगे फिर शाम को जाएंगे भाजी मार्केट भाजी लाने। स्वाद अनुसार नमक, मेरा दाल हो गया, पापड़ हो गया, दाल पापड़ बैगन फ्राई हो गया, अभी बचा है खाली बटाटा का चोखा और अंडा खाया तो अंडा। अब ज़्यादा तेल मसाला कुछ नहीं, चले इसको अभी ढाक ढाक के भूंज के लूँ, कम तेल में ये भूंज के हो जाएगा, ढाक देंगे तो हो जाएगा। मेरी लड़की अभी आली आली ना को दाना पानी दे रहा है और वो इधर
कबूतर के लिए पानी दिया और थोड़ा पानी डाल, पानी उधर से नल में से पानी ले और डाल इधर कबूतर के लिए पानी रखा। चावल देंगे, गेहूँ नहीं है अपने पास, गेहूँ रहता था ना दे देती थी, चावल दे देंगे तो हो जाएगा चावल। अरे ये दोनों बदमाश जो दिन रात चिल्लाते रहता है, वो देखिए जैसे ही नाम लिए पोज देने के लिए ऊपर चढ़ गए। वाह क्या पोज है, नाम लो ना तो पोज पोज देना जरूरी है। किधर बोले वो साइड से गिर रहा है, भर गया वो, देख भर के गिर रहा है, देख वो देख उधर से गिर रहा है, देख क्या ले। और मेरा मनी प्लांट का देखिए इधर से कुछ भी नहीं, इधर से हो गया। उसका पापा रोज पानी डालते हैं, अभी नहीं डालते, अभी भी डालता है सुबह नहा धहा के पानी उनी आ डाल पानी मनी प्लांट को। और इधर है मिर्ची और क्या टमाटर दोनों में डाल, लेकिन मिर्ची टमाटर का झाड़ कैसा हो गया, मनी प्लांट अच्छा हो। तो गाइस बटाटा बॉयल हो गया, लेके आए इसमें बटाटा है और राई का तेल में कांदा फ्राई करके ली, ये देखिए कांदा और इधर है सूखा लाल मिर्ची, ये देखिए एकदम गर्म है कांदा, ये डाल के अच्छे से मिक्स करके लेंगे तो बटाटा का चोखा एंड भरता जो भी बोलिए वो हो जाएगा। गर्म है इसके लिए ऐसा हाथ में ही, और मेरा हाथ में ना इधर ना गर्म डाल गिर गया था, जल गया थोड़ा सी, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं मिक्स कर लूँ पहले। क्या हुआ देखिए इसमें नमक भी डाल दी, सब डाल के मिक्स करके लिए बन गया है भरता। राई का तेल डाली, बटाटा का चोखा हो गया, सब हो गया, खाली लड़की खाना लाए आज एकदम सिंपल खाना, बहुत टेस्टी खाना। मेरे को चोखा बोले तो मतलब बटाटा का भरता मेरा फेवरेट है एकदम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भरता खाने में। और वैसे मेरी लड़की भी हुई वो भी खाती है भरता। आज खाने में क्या क्या है बता दे रही, लेकर आने दीजिए फिर बता रही आप लोग को। चलिए तो गाइस मेरा थाली सज गया, देख लीजिए क्या लंच में दूधी वाला डाल, दूधी डाल के डाल, दूधी वाला डाल, इधर है पानी, ये बटाटा का भरता, बैंगन फ्राई, ये है बटाटा फ्राई, कांदा बटाटा फ्राई, ये करेला भोपला फ्राई, ये सादा चावल, ये अंडा पोच, अंडा हाफ फ्राई, ये है पापड़ फ्राई। किस किस का खाने का दिल बोल रहा है ऐसा थाली, आ जाइए आप लोग, ये बहुत अहमी लगता है खाने में, कैसा लगता है एक नंबर। ये थोड़ा कड़ू कड़ू लगता है, ये कड़ू मीठा दोनों लगता है, एकदम जम गया आज खाना। तो चलिए एक आज बर्थडे मेरा बर्थडे भी टाइम है, बर्थडे नहीं है ये ना बहुत स्पेशल टाइम भी बनता है ना, बनता ही ये कभी कभार बन जाता है अचानक, अचानक भयानक में बन जाता है और खाने में भी उतना ही टेस्ट लगता है। तो चलिए खाना खा लूँ फिर आप लोग से मिलते शाम को, मिलते सीधा लेके आए जलेबी, थोड़ा सड़क क्या ना आगे, ये देखिए जलेबी एक किसका ये सब तीन तीन है जिसके जितना खाने तो खा ले, ये तेरा पापा के लिए रख दे। कौन सा ये जलेबी देखो एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा उधर है चौथा हिस्सा, मतलब समझिए ये मेरा ये लड़की का
ये हस्बैंड का और जलेबी, और मैं किराना उराना लेके आई हूँ, देखिए बाद में खाली करके आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी जस्ट मार्केट जाके आई और सब समोसा ढूंढ रही थी, नहीं मिला, उसके लिए जलेबी लेके आई। तो चलिए खा लूँ फिर मिल जाओ। तो ये है हमारा जितना आज का शॉपिंग। ये तो अंकल क्या, ये है नारियल कितने का, 50 का तीन है, 50 का तीन मिला, इसके लोटा नहीं मिला, एकदम बड़े बड़े तीन नारियल 50 का मिला। और ये है 5 फूलनी, ये मेरा स्केल जो मेरे को चाहिए रहता है लाइन, मतलब अभी एग्जाम है ना, हाँ, चला आगे करिएगा। ये है दाल, ये है फेविकॉल, फेविकॉल और फेविक्विक सुती, इसमें है परवल, ये बटाना इसका आधा स्प्रेड होने के चक्कर में, ये है क्या तिलका, तिलका, ये है सिंगा की फरी, ये है भिंडी, वहाँ है बिस्किट, पास्ता, ये पापड़ जो दो तीन, और यहाँ पे है मिर्ची, मिर्ची का क्या है, मिर्ची दिख ही नहीं रहा है, मिर्ची यहाँ दिख गया, राई का तेल तो बता, हाथी का, ये हाथी वाला है, ये तेल में जो ये बाल में भी लावा तो सिर में बहुत अच्छा तेल है राई का। और ये है फ्लावर फ्लावर सॉरी, ये है टमाटो केचप, ये है दूधी, ये है पीला राई, पीला राई क्यों है, अब पीछे से बोलो बोलो ना, पीला राई है, हाँ क्यों, वो मेरे को चाहिए भाजी जी में डालने को, वो तुम बोलने मतलब के ज्ञान दे देते। यहाँ मैगी है जो ख़त्म हो जाती है बार बार, और ये नमक है, और ये जीरा, और ये बस वो चिल्ली है, इसका कितना रेट होगा, और रेट अभी सब लगाएंगे फिर पता चलेगा। तो चलो फिर बाद में, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और देख लिए मैं क्या क्या भाजी लेके आई, क्या क्या किराना का सामान, बहुत सामान ख़त्म हो गया था, जैसा राई का तेल थोड़ा ही था, तो मंडे को इधर में जो दुकान से सामान लेती हूँ ना ग्रोसरी का, वो मंडे को बंद रहता है, तो इसके लिए मेरे को आज ही जाके सब लेके आना पड़ा। और तेल भी कम है जो कल मेरे को खाना बनाने के लिए नहीं होगा, सुबह बनाएंगे तो दोपहर का नहीं बन पाएगा बोल के मैं आज ही लेके आई तेल। राई का तेल कौन सा खाती हूँ आप लोग को देखा दी मैं, हाथी का, वो बहुत अच्छा है, बहुत तेज है वो तेल। और थोड़ा बहुत भाजी लेके आई जैसा भिंडी, परवल, फल और बटाना, सिंगा की फली, दिल का ये सब, और बाकी सब सामान, और नारियल लेके आई 50 का तीन, अभी रहने दे नारियल, बाद में भर देने का, बाहर ही रख देना, 50 का तीन, हाँ तीन नारियल लेके आई 50 रुपये में, मिल रहे तो सस्ते में ले ली बस यही सभी। तो चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही, हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब अगर ना भूलेगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। तो चलिए कल फिर नया वीडियो का साथ मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ दिन, और हैप्पी नाइस डे, गुड नाइट, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना घर पे रहिए, और कल संडे अच्छा से इंजॉय करिए संडे, हमारा कल संडे कुछ ये नहीं है, कल लड़की का क्लासेस है 8 बजे से, मेरे को भी जाने का है मार्केट, कल कुछ सामान लाने के लिए सुबह ही जाने का है, देखेंगे कल क्या लेके आती हूँ नॉन वेज में, तो कल का काली पाता चलेंगे ऐसा है, फिर कल मैसिंग है, बहुत काम है कल सुबह यही सब करना। तो चलिए कल मिल रहे, आप प्लीज़ प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग कमेंट कर दो, कमेंट का उत्तर भी मैं दे दूँ, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए अच्छा लगता। और हाँ एक जन ने बोला मेरी लड़की की इकड़ा ने बाल नहीं बनाती है, इकड़ा बाल बनाती है, उसकी बाल वैसी ही है बचपन से, उसकी बाल जो है ना वो काली वाले, मतलब एकदम गोल 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 जो रहता नहीं क्या काली वाल वो है, और उसकी बाल झड़ के नया बाल आ रहा है, जो झड़ रहा है ना उधर से फिर नया बाल आ रहा है, तो कितना भी बाल बना है उसका जैसा लगता है बाल बना है ना, अभी मैं भी जैसा बाल बना ये देखे मेरा छोटा छोटा बाल ये देखे ऊपर ऊपर आ रहा है ना, उसका भी जो छोटा छोटा बाल है ना उसका छोटा बाल ना बांधे नहीं जाते, वो पूरा
खुल कर पूरा पागल सारी का लगता है, जैसा लगता है बाल बनाए नहीं बनाए नहीं ऐसा लगता है। वो बाल बनाती है सुबह उठ के, वो पहला बाल उल बनाएंगे फिर जो करने का करती है। लेकिन उसकी बाल कभी भी आपको देख के लगेगा जो बाल बनाए ही नहीं ऐसा ही वो घूम रही है। हाँ उठ के आए ऐसा ही पागल सरकार रह रही है वो, ऐसा ही क्या करेंगे उसकी ऐसे ही सवा बाल भी उसकी सही से नहीं है, उसको बाल भी ऐसे ही भुखनी बन जाती। उसको बहुत जन बैड कमेंट भी करता है इंस्टाग्राम में, वो मेरे को बोलता है मम्मी मैं क्या बूढ़ी देखती हूँ क्या ऐसा ऐसा, मेरे को बहुत जन बैड कमेंट। लेकिन मैं बोलती हूँ देख जो बैड कमेंट करता है करने देने का, अपना कान है सुन लेने का। बैड कमेंट करने वाला बहुत है, वो इंस्टाग्राम में उसका अकाउंट है इंस्टाग्राम में, तो उधर उसको भोजन बोलता है एक दो जन है, उन लोग बोलता है तेरा शकल कैसी है, तेरे मुंह कैसी है, तेरी होंठ कैसी है, तेरा एक आँखी बड़ी है एक आँखी छोटी है, तू खुद को देखी क्या कैसी लगती है, सबसे अलग है ऐसा है उसे बहुत गंदा गंदा बात बोलता है उसको। मैं बोलती हूँ बोलता है ना तब तू बोलने का, तू तेरी मम्मी को तेरा बहन लोग को कभी देखी क्या, खुद की शक्ल देखी क्या, मैं जैसा हूँ अच्छा। अब उसको पढ़ाला जैसा बनाया वो ऐसा ही तो देखेंगे ना, क्या हम लोग खुद से बनाया उसको है? किसको कोई खुद से नहीं बनाता है, ऊपरला का मर्जी ऊपरला जिसको जैसा बनाता है वैसा ही वो जन्म लेता है। तो इसमें बैड कमेंट करने का उसको कोई ये नहीं है, तो ऐसा वो इंस्टाग्राम में करता है ना वो बहुत बोलती है। मैं बोलती जान दे सुन लेने का छोड़ने का, छोड़ बातें सब कोई बोलता है क्या करने का, एक कान से सुनने का एक कान से निकल देने का, अपन अपना दिल से पूछने का अपन कैसा है कैसा नहीं है, बस इतना ही बहुत है यही है। तो जिसने कमेंट किया उसको मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ ये मेरी लड़की पे ऐसा, उसको खाली इतनी बोली नहीं बाल उसकी बनाता है उसकी बाल ऐसे है, आप ही देखा रहो आप लोग को बाल बना के गया फिर भी उसकी बाल ऐसा है। और ट्रेन में जाएंगे ना हवा से उड़ेंगे ना पूरी बाल भुतनी जैसा मुँह में उसका ऐसा ही होता है, उसका बहुत छोटा छोटा बाल है। और चोटी बांधने के टाइम में भी मेरे को बहुत तकलीफ होता है, अभी चोटी बनेंगे थोड़ी देर में सब निकल के बाहर इधर इधर से लटकता है ऐसा है। देखा रहे आप लोग को देखिए आ गया, देखिए बाल अच्छे से बना के गई है, देखिए पूरा पीछे घूम देखिए पीछे भी देखिए बाल बनाया, लेकिन उसका बाल देखे सब निकल के बाहर आ गए उसका ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, बाल बनाती है बेचारी पूरी बाल बिगड़ जाती है। और उसका आँखी देखिए एक आँखी बड़ा है एक आँखी छोटा है, वो छोटा इसके लिए उसका ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया, इसके लिए वो आँखी छोटा है। और ये बड़ा इसके लिए ये ऑपरेशन सक्सेस है इसके लिए, तो इसके लिए भी उसको बहुत सुनना पड़ता है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, गुड नाइट अभी के लिए। तो जिस देखिए कोई बूढ़ा मादमा नहीं है, आप लोग को कोई मैं बैड कमेंट नहीं कर ना आप लोग को मैं सुना रही हूँ, मेरे को कोई ये नहीं गम नहीं है किसी को सुनाने का व किसी को कुछ बोलने का। मैं बोलती हूँ मेरी लड़की जैसी है अच्छी ओ उसका इसमें अच्छी है इतना ही बहुत है। मैं आज चाहती नहीं किसी को कुछ ये करने के लिए। और बाल के लिए मैं बता दी उसकी बाल ऐसी है, वो बचपन से ही उसकी बाल बचपन में तो एकदम कली था पूरी एकदम ऐसा चिपके चिपके बाल और पूरी कली एकदम छोटे छोटे ऐसा गोल 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 था, कितना भी बांधो कितना भी झाड़ो फिर ऐसे। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सी बड़ी हुई तो बाल थोड़ा ही है, लेकिन ना उसका बाल बहुत झड़ता है इतने झड़ते हैं पूछिए मत। डैंड्रफ भी है उसके बाल में, बहुत डैंड्रफ हो गया झड़ता भी। अभी राय का तेल वाली लगाने का इतना ये कर कुछ नहीं हो रहा, अभी उसको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा स्किन की डॉक्टर हेयर का डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, जाते उसका बाल का जो डैंड्रफ वंड्रफ है वो वो सब जाए और बाल मजबूत है झड़ना बंद है, छोटा भी हो गया बाल गिरते गिरते इसके। तो चलिए कल मिल रही बाय गुड नाइट, दुआ में याद रखना अभी मेरे को बहुत काम है वो सब निपटा। चलो बाय बाय।